साल 2021 कई बड़ी घटनाओं के साथ खत्म हो गया। कुछ ही देर में साल 2022 की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन नए साल के साथ एक पुरानी बीमारी भी नए भेष में दस्तक दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। ये बीमारी कितनी खतरनाक है इसे हम सब जानते हैं, और यही वजह है कि नए साल के जश्न पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बैन लग गया है। नए साल के जश्न में कोरोना ने डाली खलत। ना होगी खुलकर मस्ती, ना दिखेगी कोई हलचल। ओमिक्रॉन की आहट, पार्टी पर रुकावट। अगर आप नए साल के जश्न की तैयारी कर चुके हैं और इंतजार है बस घड़ी में 12 बजने का, फिर पार्टी में डूब जाने का, तो कुछ भी करने से पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट नए साल के जश्न में लगी पाबंदियों को लेकर है। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। योगी सरकार ने पहली ही फुर्सत में 25 दिसंबर से पूरे सूबे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन इन सब से अलग उसका असर नए साल के जश्न को बेअसर करने जा रहा है। ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए यूपी में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसे जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। बिना मास्क सार्वजनिक स्थल पर आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। कंटेनमेंट जोन में आकस्मिक सेवाओं के अलावा सभी चीजों पर पाबंदी रहेगी। बिना परमिशन सभाओं पर पूरी तरह रोक रहेगी। जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्विमिंग पूल पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। मेट्रो, कैब और बस सेवा में 50% क्षमता की शर्त रहेगी। शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट में एंट्री सीमित होगी। अनशन और धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं हो पाएगा। ये वो गाइडलाइंस हैं जो सरकार की तरफ से जारी की गई हैं। साफ है, इस नई गाइडलाइन से जो नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर चुके थे वो थोड़े मायूस हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। साल 2021 का आज आखिरी दिन है, और ऐसे में आगरा किले का दीदार करने वालों की भारी भीड़ है इस समय आगरा किले पर जमा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं पंक्तियों में लगे हुए हैं, और लेकिन जिस तरीके से 16,000 से ज़्यादा केसेज एक दिन में देश में आए हैं, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में ये कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उसने दस्तक दे दी है। आप देख सकते हैं कि कैमरा चला है, उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो मास्क लगाकर अंदर जा रहे हैं। ये कैमरे का असर है, लेकिन अमूमन लोग अभी भी बड़े स्तर पर लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर योगी सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए बनाई गई टीम 9 के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। दूसरी तरफ सीएम योगी ने लोहिया अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और तैयार रहने के निर्देश दिए। यहाँ पे एक भी पेशेंट वर्तमान में एडमिट नहीं है, क्योंकि जितने भी पेशेंट अब तक लखनऊ में आए हैं सभी होम आइसोलेशन में है, और संक्रमण उसमें कोविड के लक्षण जांच के बाद तो दिखे, लेकिन उनमें जो स्थिति है वे सभी माइल्ड है, बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव उस प्रकार का नहीं है। लेकिन सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से एक तरफ अवेयरनेस के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी आहट भर से अलर्ट हुई योगी सरकार की मुस्तैदी ने दिखा दिया है कि आने वाले दिनों में पाबंदी तो होगी, लेकिन यही पाबंदी और सतर्कता एक बार फिर से इस अदृश्य शत्रु को हराने में कारगर होगी, जो इस नए साल के जश्न से भी बड़ा जश्न होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय हो, खुशियां लेकर आए, यही कामना एबीपी गंगा की है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें।